नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। आपको बता दें, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा कर वो हल्द्वानी पहुंचे हैं। कुछ देर बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे और अधिकारियों को आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी देंगे। तो बीते 5 दिन आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है। आज आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे के बाद दून लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और नुकसान को लेकर अफसरों के साथ बैठक करेंगे। कुछ खास दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। और लगातार पिछले 5 दिनों की बात करें तो प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया है। तो यह हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछले 5 दिनों तक लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण कर रहे थे और इस दौरान नुकसान को लेकर आज अफसरों के साथ बैठक करेंगे और खास दिशा निर्देश भी देंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में इस वक्त प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं लोग और इस बीच भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्र की तरफ से भी लगातार नजर रखी हुई है और एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान, जिसके लिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ केंद्र भी लगातार बातचीत कर रहा है कि आखिर किस तरह से ये भरपाई हो और लोगों तक राहत कैसे पहुंचाई जाए। कई जाने भी गई हैं उत्तराखंड में और इसके अलावा आपको बता दें कई जगह प्रभावित हुए लोग। अजय हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। अजय, सीएम पुष्कर सिंह धामी 5 दिन बाद वापस लौट रहे हैं और इस बीच अगर हम इन 5 दिन का ब्यौरा लेना चाहें, क्या कुछ अधिक जानकारी अब तक की अपडेट? देखिए कोमल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस वक्त से ही मैदान में जुटे हुए हैं जब से ये घटनाएं हुई हैं और उनके साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं और हर जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर के वहां के जो पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है तो या जिनकी जन धन हानि हुई है, उन सभी लोगों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। और दुख की इस घड़ी में अगर प्रदेश का मुखिया किसी परिवार के साथ खड़ा है तो ये एक बड़ी बात है और लोगों का जो दुख है, दर्द है, वो कम करने का सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस प्रयास में जुटे हुए हैं और लगातार 5 दिनों तक मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते रहे। सभी जिलों में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है और अब यहाँ देहरादून में आकर के मुख्यमंत्री अपने सचिवालय में बैठ करके वार्ता करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। हालांकि फौरी तौर पर जो नुकसान के आंकड़े अभी तक इकट्ठा किए गए हैं उसमें 2500 करोड़ रुपए के आंकड़े यहाँ पर बताए जा रहे हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से और बाकी के अन्य नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी में और बाकी अन्य क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है और इसकी जो भरपाई करना काफी मुश्किल है, लेकिन सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है और आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं कैसे लोगों को राहत दिलाया जाए, किस तरह से जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। और जो सरकारी आंकड़े हैं मृतकों के, वो 72 तक पहुंच गए हैं। हालांकि अन्य जो लोग बता रहे हैं कि 80 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 72 लोगों के मौत के आंकड़े जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ भारी संख्या में धन की हानि हुई है और उन सारे आंकड़ों को एकत्र किया जा रहा है और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है और अब मुख्य सचिव के साथ और सचिवालय के तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आज यहाँ देहरादून में बैठक करेंगे और तमाम जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाएगा। और बाकी अजय, ये जो आर्थिक सहायता की बात की जा रही है, लगातार यही कहा जा रहा है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक सहायता की भी बात की जा रही है, क्या क्या ये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है? देखिए, अभी
जो लोग अपने लोगों को खो चुके हैं उनका दुख दर्द कैसे दूर किया जाए, ये अभी प्राथमिकता सरकार की है और ये तय किया जा रहा है कि जो नुकसान है उसके लिए कितने किस मद से कितना आर्थिक सहायता दिया जाए, और यही इन्हीं सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, मुख्यमंत्री ने इसके लिए घोषणा की है ताकि ये आपदा मद से वहाँ के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करें और लोगों को इस मद से राहत दिया जाए, उनको आर्थिक तौर पर मदद दी जाए। इसके साथ ही पौड़ी जनपद, चमोली जनपद, नैनीताल और अल्मोड़ा, चंपावत, ये तमाम जिले हैं जहां पर ये नुकसान हुआ है और इन नुकसान की भरपाई के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश और जो बैठकों का दौर है वो जारी है। खास तौर पर जो कुमाऊं मंडल है वहां पर भारी नुकसान हुआ है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कुमाऊं मंडल के दौरे पर रहे हैं। पहले वो चमोली जिले में गए, पौड़ी जिले में गए जो गढ़वाल मंडल में आता है, इसके बाद से चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का उन्होंने भ्रमण किया है और इस बीच कई दौर में कई बार वो वहां उन क्षेत्रों में गए हैं, लोगों से बातचीत की है। कल रात भी वो वहीं पर रुके रहे और आज अब वो यहां पर आ रहे हैं देहरादून और अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। नुकसान का जो जायजा लिया जाएगा उसका आंकड़ा एकत्र किया जा रहा है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि यहाँ उत्तराखंड को आर्थिक तौर पर केंद्र सरकार फौरी तौर पर जल्द से जल्द मदद करे ताकि जो लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके दुख दर्द को दूर किया जाए, उनके साथ सरकार खड़ी है। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच जा करके बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए ये आसमानी आफत बहुत बड़ी आफत लेकर के आई है और भारी संख्या में धन की हानि हुई है, जन की भी हानि, जो 72 लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बताए गए हैं, ये इतने लोगों की जान चली गई इस आपदा में। ये आपदा का जो मंजर है वो काफी भयावह रहा है और उसको फिर से पटरी पर लोगों के को जो मानसिक तौर पर उनको फिर से एक नए सिरे से जीने की उम्मीद, उनको जगाने की उम्मीद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। कई इलाकों के संपर्क भी टूटे, ऐसे में राशन की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हर तरीके की दिक्कत देखी जा रही है। लेकिन अभी जो ये 5 दिनों का दौरा रहा है, पिछले दिनों काफ़ी कुछ अहम रही है चीज़ें, कितना और वक्त की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि आपदा बहुत बड़ी है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए, लेकिन वक्त ज़्यादा भी लग सकता है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए कोमल, चूंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी विषम स्थिति है और ऐसे में इस तरह की जो आपदा ने पूरे उत्तराखंड को तोड़ मरोड़ करके रख दिया है, सड़कों से संपर्क मार्ग टूट गए हैं, हालांकि अभी तक 72 मार्गों को दुरुस्त किया गया है, बाकी 250 से अधिक ऐसे मार्ग हैं, छोटे बड़े मार्ग जिन्होंने जो मुख्य मार्गों से जुड़ते हैं वो टूटे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द PWD और BRO की ओर से जोड़ा जा रहा है। कई जगहों पर राशन सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हो रही है तो उनको हवाई मार्ग से अब वहां पर पहुंचाया जा रहा है और कई जगहों पर जो पर्यटक फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, हवाई मार्ग से ही वापस लाया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो जो आंकड़ा है वो अभी एकत्र करने में काफी लंबा वक्त लग रहा है, तो जाहिर है कि इस सारे माहौल को पटरी पर लाने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा क्योंकि भारी संख्या में नुकसान हुआ है, धनहानि हुई है, जनहानि हुई है और ये इसकी भरपाई करना काफी मुश्किल है और एक लंबा वक्त लगेगा सब चीजों को दुरुस्त करने में। जी कोमल, नजर बनाए रखिए अजय तमाम अपडेट्स पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।